जो सरप्राइज मैंने आपको बोला था कि मैं मीटिंग किससे करने जा रहा हूँ, कौन सी पर्सनैलिटी है ऐसी कि जिनको मैं मिलने जा रहा हूँ, मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा। तो वो मोमेंट आ चुका है और मैं मीटिंग के लिए आ चुका हूँ हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर कॉन्टिनेंटल के, जिनकी बहुत सारी और भी ब्रांचेज एंड कंपनीज हैं एंड हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 40 ईयर्स। यू कैन नॉट इमेजिन कि द पर्सन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो एंड हैविंग वेरी गुड मार्केट वैल्यू। अगर आप इस चीज़ को सर्च करेंगे तो शायद आपको अंदाजा होगा कि किससे मिलने के लिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था और क्यों एक्साइटेड था और कोची तक का मैंने सफ़र किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग स्पेशल जो आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशन रहा। यहाँ मेरा वेलकम बहुत अच्छा हुआ और यहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी है इनके ऑफिस के अंदर मुझे बहुत अच्छी मिली। और जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हैं सजीवन सर, ही इज रियली वेरी नाइस गाय एंड हैविंग अ बिग हार्ट। होटल्स में खाना क्राउन प्लाजा में, वहाँ पे जाके हमारा डिनर हुआ। और मैंने आपको ये बताया था कि जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो उसके बाद में हमारे पास में पिकअप के लिए अरेंजमेंट होगा, तो वैसे ही हुआ, एकदम पिकअप के लिए अरेंजमेंट था। और बड़ी बात ये थी कि 24/7 वो ड्राइवर का अरेंजमेंट किया गया था, एक गाड़ी स्पेशल हमारे लिए भेजी गई थी और होटल में रहने का बेहद बेहतरीन इंतजाम रहा। एंड आई वॉज रियली हैप्पी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू मिस्टर सजीवन सर दैट यू हैव डन रियली एवरीथिंग विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट आई विल गेट दिस काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी इन कोची। आपसे मिलने का मेरा ये मकसद था कि जो लोग बाहर जाते हैं, एक्चुअली बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि अब्रॉड जाने में क्या गल्फ में ज्यादा बेहतर है या यूरोप कंट्रीज में ज्यादा बेहतर है, तो इसके लिए आप किसको रिकमेंड करना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल रिजवान, आई वेलकम यू टू कोचीन, यू नो थैंक यू सो मच, कॉल्ड गॉड्स ऑन कंट्री। आपने तो तारीफ किया गाड़ी आया, ये तो हमारा रूटीन हॉस्पिटैलिटी होते। देखो हम लोग केरला में जो आदमी होते हैं वो वर्ल्ड में हर जगह है, जो जब आप हमारा मेहमान है, यू नो व्हेन यू आर इन आवर कंट्री वी हैव टू बी विद यू। Now coming to your question, you see Gulf, the total business is different. Gulf में जो you know the business started in 1937. Okay. जब oil explore हुआ था, बहरीन refinery जो है 1937 का है, तो refinery हुआ तो ये बनाने के लिए काफी आदमी चाहिए था। तो उसमें एक story शायद आपको नहीं पता, ये उसी टाइम passport नहीं था। तो Gulf country से आदमी लोग केरला आता था, क्योंकि केरला जो कोस्टलाइन है वो नीचे आते हैं, वो हवा से जो बोट है जी, वो जो मैनुअल बोट होते हैं ना, इंजन नहीं था, तो इधर ही पहुंच जाता था। ओके। तो इधर से वो बोट के अंदर वापसी जाने के टाइम आदमी उसमें चढ़ते जाता था, इधर तो ज्यादा काम नहीं था, तो सबसे पहले आदमी केरला से जाने को शुरू हो गया। ओके। पासपोर्ट हो गया आप शायद 1970 का आसपास, पासपोर्ट उधर ही बांटता था, पहले पासपोर्ट उधर आया, फिर पासपोर्ट आपको पता है बहुत लंबा लाइन लगता था। तो गल्फ में जाने का एक मजा था आदमी को, जैसे एक्सप्लोरेशन था और खासी पैसे का भी बहुत डिफरेंट था, देयर वाज लॉट ऑफ डिफरेंस इन द एक्सचेंज मनी। अगर आप 10 दिरहम हाँ रियाल में मिलता था, मुझे मेरा फर्स्ट रिक्रूटमेंट था सऊदी में 900 रियाल, तो बहुत पैसा है, तो आदमी नहीं सोचता था ना, तो इसमें बहुत अट्रैक्शन था। और दूसरा क्या होता है, जब ये गल्फ में एक्सपैंड हुआ पूरा इंग्लिश ब्रिटिश लोग अमेरिकन लोग थे, तो जितना भी गल्फ का सिस्टम है इन लोग ने बनाया, जैसे अमेरिकन स्टैंडर्ड ब्रिटिश स्टैंडर्ड। तो जब कैंडिडेट जाएगा आपको, जैसे आपने बोला, रिसीव करेगा, आपको बेड मिलेगा, चादर मिलेगा, यू नो यू गेट एवरीथिंग व्हाट यू नीड। फिर बहुत कंपनी जो है ना साइट में फ्रेश जूस देता था, मुझे अभी भी याद है, एप्पल जूस, ऑरेंज जूस, वाटर आपको काम करने के टाइम। गर्मी होता था, गर्मी में आपको आधा दिन काम करना है, सुबह 4 बजे से 7 बजे। तो गल्फ तो एक अलग टाइप है, वो डेसर्ट था, बाकी सारे ग्रीन हो गया, तो बहुत सारे मतलब फैसिलिटी था आपको। हर कंपनी फूड एंड अकोमोडेशन देता था और सैलरी बराबर मिलता था, प्रॉफिट उन लोगों को बहुत मिलते, तो बहुत चेंज हो गया। यूरोप तो एकदम अलग है, यूरोप कंट्री का सिस्टम भी अलग। आपको पता है यूरोप में जो स्पॉन्सर होते हैं वो वीसा मिलते हैं आपको वो कंट्री का, दुबई में आपको मिलेगा एक स्पॉन्सर का, इसमें इतना फर्क है। ओके। हाँ तो आप, मतलब ये है कि जो कंट्री यूरोप में जाने वाले लोग हैं तो आपको कम डरना चाहिए। हाँ यूरोप में, क्योंकि आप जा रहे हैं तो अभी आप वीसा देखेगा ना, उसका राइट हैंड ऊपर एक कंट्री का नाम लिखा होगा, वो जो वीसा होते हैं जो शेंगेन वीसा बोलते हैं, वो वीसा जो आपको मिलेगा बिजनेस वीसा मिलेगा, विजिट वीजा मिलेगा, फिर डी कैटेगरी जो होते हैं एम्प्लॉयमेंट वीजा, डी कैटेगरी वीजा होते हैं। तो इसमें आपको ख्याल करना पड़ेगा आपको कौन सा वीजा में आप जा रहे हैं, तो अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट। तो वीजा में लिखा रहता है डी कैटेगरी, तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट वीजा है। हाँ एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन आप जाओ उधर जाने के बाद आपको तो काम उधर भी ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप विजिट वीजा ट्रांसफर नहीं हो सकते। अच्छा, विजिट वीजा में क्या लिखा रहता है, कुछ ऐसा है? बिजनेस वीजा है, विजिट वीजा लिखा है, बिजनेस वीजा लिखा है। अच्छा, तो आपको तो मालूम पड़ेगा जाने के पहले। अच्छा, 100%। इसमें देखो यूरोप में आपको कोई चीटिंग नहीं होगा, अगर आप क्या चीज आपको दिया, जो जैसे आपका ट्रैवल एजेंट के पास गया, आपका भाई भेजा, तो आपको पढ़ सकते हैं ये तो एम्प्लॉयमेंट वीजा है,
100% है, वो ट्रांसफरेबल है। जैसे अभी आप गया, काफी आदमी अभी यूरोप जाने के लिए सोचेगा, उसका फर्स्ट प्रेफरेंस है जर्मनी। अच्छा। हाँ, सेकंड प्रेफरेंस है वो बोलेगा इटली। इटली। हाँ, बोलेगा फिर हंगरी। ये सब कंट्री जो बहुत एडवांस्ड है। तो यहाँ पे जो वीजा आते हैं तो वो जो शेंगेन वीजा होते हैं, शेंगेन वीजा, मतलब अगर आप हंगरी का वीजा भी लेते हैं, अभी जो आपके यहाँ से जा रहे हैं लोग कुछ हंगरी, तो क्या वो शेंगेन वीजा होगा? हाँ, मतलब वो 26 कंट्री का वीजा। अच्छा, वो 26 कंट्रीज। जैसे अभी आप यूएई में जाएगा, आपको ऊपर क्या लिखा है, यूएई वीजा। यूएई वीजा। हाँ, दुबई वीजा का भी, मतलब जो 7 डेस्टिनेशंस हैं वहां के लिए। वो आप अभी फ्लाइट पकड़ो अबुधाबी के लिए, लेकिन आपका कंपनी है दुबई में, आप अबुधाबी में गाड़ी पकड़ के आप दुबई जा सकते हैं। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे दुबई में कॉन्ट्रैक्ट होता है, सऊदी में होता है कॉन्ट्रैक्ट, की आपका 2 साल का हमारी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट, कहीं नहीं जा सकते हैं। तो यूरोप में ऐसा कुछ नहीं है कि 2 साल तक ये ऑटोमेटिकली आपको रिन्यूअल होते हैं, क्योंकि आपका मर्जी है काम करना। हाँ। और आपको ह्यूमन राइट्स सब बहुत प्रोटेक्टेड है यूरोप में। अच्छा, 2 साल तक रहेंगे, फिर उसके बाद रिन्यूअल हो जाएगा। तो वो रिन्यू अगर हो जाएगा तो एजेंसी कैसे फायदा पाएगी इसमें? एजेंसी ने एक बार दे दिया, एजेंसी को कोई रोल नहीं है, एजेंसी को आपको ये परमिट एक बार देना है। एक चीज मैंने आपको ये बताना है, दुबई के लिए आपको जाने के लिए वो एक्चुअली इंडियन आदमी को पहले अलाउड नहीं था, समझ गया ना? तो इसको कंपनी वाले को एक आदमी चाहिए, मतलब इंडिया से, तो इनको क्या करना चाहिए, इनको वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा मिनिस्ट्री में। ओके। जैसे अभी पोलैंड में आदमी जा रहे हैं, तो पोलैंड मिनिस्ट्री में उनको बोलना पड़ेगा, देखो हमको 10 आदमी वेल्डर चाहिए। तो बोलेगा इधर आदमी क्यों नहीं है, तो आप पहले एडवर्टाइजमेंट करो, आदमी नहीं मिलेगा फिर एप्लीकेशन करो, हम 10 आदमी लाना चाहते हैं। तो जब वो परमिट इश्यू हो जाएगा उसको वर्क परमिट बोलते हैं। अभी माल्टा में जाएगा वो माल्टा आइडेंटिटी बोलते हैं उसको। अच्छा। तो ये मिलना बहुत जरूरी है, वीसा नहीं पहले नहीं मिलते। अच्छा, वहां से वर्क परमिट मिलेगा। हाँ, वर्क परमिट, मतलब गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दे दी है कि आप एंट्री कर सकते हैं यूरोप में। आपको नहीं, कंपनी को परमिशन दिया, 10 आदमी को ले गया। अच्छा, वहां की कंपनी को परमिशन देगी कि वो आप किसी भी कंट्री से 10 आदमी ले लो। हाँ, वो जो अप्लाई किया इंडिया। अच्छा। से नेपाल से, फिर वहां पे परमिट जो है इंडिया के नाम पे एजेंसी जो है इश्यू होता है, और फिर एजेंसी वीजा लगाती है कैंडिडेट। एजेंसी वीजा नहीं लगाते, एक्चुअली कैंडिडेट को लगाना चाहिए, कैंडिडेट जाता है। मैं एक बताते आपको, जो माल्टा है, माल्टा के लिए आपका ईमेल आईडी में आपका वर्क परमिट आएगा, आपको मालूम पड़ेगा ना आपका नाम सही है, सैलरी सही है। तो ये कंट्री में सब मिनिमम वेजेस है। अच्छा। इतना सैलरी देना जरूरी है। अच्छा, एक चीज और, जैसे कि मान लीजिए आपने बोला कि अभी ईमेल आईडी में आपका वर्क परमिट आएगा, तो अगर ईमेल आईडी में वर्क परमिट आ जाता है और कैंडिडेट की हो या एजेंट की हो, नहीं आएगा वर्क परमिट अप्लाई करने के पहले जो आपका क्रेडेंशियल है, आपका डाटा सही है। अच्छा। तो फिर आप सबमिट क्लिक करेगा, वो मिनिस्ट्री वो इश्यू हो जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन एक तरीके से आएगी उस पे। जैसे जैसे अभी आजकल पासपोर्ट इश्यू करते हैं, आप पहले जाके आपका नाम पूछेगा, टाइप करेगा, फिर दूसरा लेडी पूछेगा ये सही है, क्लिक करेगा, तो थर्ड ऑफिसर ही आपको इश्यू करते। सेम माल्टा में आपको माल्टा आइडेंटिटी ऐसा ही मिलते। अच्छा, माल्टा आइडेंटिटी मिल गया फिर आपको वीसा इश्यू हो जाएगा। तो आपको पासपोर्ट वीएचएस से भेजो जो स्टाम्पिंग के लिए, नहीं तो आपको चले जाओ ट्रैवल एजेंट जाओ। अच्छा, तो इसमें आप वीएचएस क्या है, ये जो अपना इंडिया में जो वीसा कंसल्टेंसी है वो। अच्छा, तो वीएफएस भी है कुछ भी? हाँ, वही है ना, तो ये जो फैसिलिटी जो करते हैं ना कंपनी। अच्छा, जो आपका यूके का वीसा लगाते भी है। ओके, तो बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि भाई माल्टा में जाने के लिए कोई कहता है कि 10 महीने लग जाते हैं, 1 साल लग जाते हैं, कभी कभी वीजा आता ही नहीं, रिजेक्ट हो जाता है, आपका पैसा डूब जाता है, एजेंट जो है वो वापस नहीं करता, उनको परेशान कर देता है। तो क्या ऐसा कुछ है कि अगर वीजा नहीं आ रहा है या उनका नहीं लगा वीजा तो कैंडिडेट का लॉस हो जाता है? इसमें साहब देखो, पैसा तो सबसे पहले एजेंट नहीं लेना चाहिए पहले। अच्छा, पैसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपका वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं किया तो पहले से 3 लाख रुपए ले रहे। अच्छा, वो क्यों 3 लाख ले रहे, तो शायद ये कैंडिडेट नहीं जाएगा तो क्या हो बात है, कैंडिडेट नहीं जाता है तो फिर पैसा तो लगता होगा। हमारा कंपनी में तो हम कभी इतना पैसा नहीं लेगा कोई कैंडिडेट से, क्योंकि हम वर्क परमिट अप्लाई करेगा, वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद अगर कैंडिडेट नहीं जाते ये कंपनी का बहुत नुकसान होते। अच्छा, अभी हाँ, तो आपका पैसा जो लगा है वो अभी जैसे अभी आपको 5 वेल्डर चाहिए, तो 5 वेल्डर को यूरोप जैसे पोलैंड में लेके वो शिप का काम करते। हाँ, तो वेल्डर नहीं आएगा तो उसका शिप का कॉन्ट्रैक्ट चले जाएगा, हाँ, तो इसके लिए गारंटी के लिए एजेंट लेते, तो अपना एजेंट एक एक अलग अलग टाइप का एजेंट है, उसका मर्जी से वो 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, कुछ भी मत ले लो, कुछ भी। हाँ, वो पासपोर्ट लेके गारंटी करते। अभी कभी ऐसा होता है कि यूरोप में जाने वाले लोगों के लिए कोई चार्ज, लेकिन 10 महीना तो कभी नहीं लगेगा। अच्छा, सवाल ही नहीं उठता, टाइम कम लगता है। हाँ, वो तो मैक्सिमम 3 महीना 4, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकते, 3 से 4 महीने में फ्लाइट हो जाएगा। अच्छा, ये भी हो सकते हैं, दूसरा एक चीज है ना, जैसे अभी आप दुबई में भी देखो, वीसा अप्लाई किया, वीसा नहीं मिला। हाँ, वो शायद स्पॉन्सर अप्लाई नहीं किया। अच्छा, हाँ, शायद स्पॉन्सर बाहर है, वो साइन नहीं किया, तो वीसा लेट होते, नहीं तो वीसा अप्लाई करेगा यूरोप में वर्क परमिट और रिजेक्ट करेगा, नहीं तो अप्रूव हो जाएगा। यही डिले है, वो डिले कैंडिडेट का नहीं, एजेंट का नहीं है, वो स्पॉन्सर का है। इसमें आप इतना ख्याल रखो, देखो अगर 4 महीना वेट किया, वो परमिट नहीं मिला तो आपको नहीं मिलने वाला। अच्छा, वो परमिट अगर नहीं मिला तो कैंडिडेट को कोई पैसा नहीं लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा,
ऐसे नहीं लगेगा, भले वो उसको ऑफर लेटर आ जाता है या कुछ भी आ जाता है। हाँ, पहले ऑफर लेटर तो आएगा ना, पहले ऑफर लेटर आएगा, ऑफर लेटर आएगा, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं मोस्ट ऑफ द कंपनीज में, वहाँ पे 5 डेज वर्क होता है और 6 डेज है। नहीं, एक्चुअली यूरोप में बहुत सारे जो स्टेट है, जैसे अभी अभी केरला है, बिहार है, यूपी है, ये तो इंडिया है ना। हाँ, यहाँ लेबर लॉ अलग 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 हर स्टेट का। ऐसा देखो, अभी हम हंगरी का रिक्रूटमेंट करते, ये 5 डे वर्क है, 5 डेज वर्क। हाँ, तो आपको वर्किंग डेज में अगर आप ओवरटाइम करेगा 1.25 है, अगर आप सैटरडे ओवरटाइम करेगा आपको 1.5 है, नेशनल हॉलीडे संडे में आप काम करेगा आपको मिलेगा एक्सैक्टली डबल। तो जो मतलब एक रिक्वायरमेंट है हंगरी की फैक्ट्री हेल्पर में, तो उसमें अप्रॉक्स 49-50,000 सैलरी हो रही है। कैलकुलेशन 3.5 नॉर्मल सैलरी में 22 डेज का काउंट करूंगा मैं, तो उसमें 49,000-50,000 हो रही है। तो ये दिन में 28 यूरो हो गया ना, 28 यूरो इनटू आप, तो उतना कैलकुलेशन हमने कर लिया, तो 8 आवर्स का मैंने कैलकुलेट किया। तो क्या ऐसा होता है कि वहाँ पे लड़का खुद की मर्जी से चाहे तो ओवरटाइम कर सकता है या कंपनी की? नहीं, उसमें तो कंपनी तो ऐसा नहीं है, कंपनी का परमिशन होना चाहिए। जैसे अभी इंडिया में है, कोई भी स्टाफ बोलेगा आज 5 घंटा ऑफिस में बैठेगा, तो नहीं हो सकता ना। इसमें देखो, यूरोप का स्टैंडर्ड अलग है। आप हमरी जाओ, इटली जाओ, जो हमारा मनमानी नहीं कर सकते। ये भी आप कभी मत सोचो उधर जाएगा हम सोना मिलेगा, इतने सारे नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ेगा यूरोप। कितना करीब एवरेज? 60,000-70,000 ये पैसे कमा लेते हैं, 100% मिनिमम इतना पैसा आएगा। और इनको काम क्या है, जैसे कि कोई अग्रीमेंट आता है तो उसमें लिखा रहता है यही काम करना है आपको या कुछ भी? नहीं नहीं, ये काम है ना, फैक्ट्री हेल्पर है। अभी हम भी फैक्ट्री हेल्पर को अभी रिक्रूट करते हैं। देखो, ये ग्लव्स बनाते, मास्क बनाते, इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाते, वॉशिंग मशीन बनाते, मतलब एक ही फैक्ट्री नहीं है ये मेन कंपनी जो है ना, उसका 4-5 फैक्ट्री है। अच्छा, अभी वॉशिंग मशीन जो बनाते उधर ग्लव्स नहीं बनाएगा, तो उसके अंदर क्या होते हैं, वॉशिंग मशीन का पार्ट्स आएगा, वो आप ऑफलोड करो, वो तो उधर फोर्कलिफ्ट होते, ऐसा नहीं है इधर से पूरा गोनी लेके चल रहे, वो तो ऐसा काम यूरोप में नहीं होते। और एक चीज है कि जैसे सऊदी में बहुत सारे लोग हैं गल्फ में, वीजा लेके चले जाते हैं, वहाँ पे स्पॉन्सर को पसंद नहीं आया कैंडिडेट, तो उसको क्या होता है वापस कर देते हैं। फिर यहाँ के एजेंसी के पास में कैंडिडेट आते हैं, उनको भाई हमने इतना पैसा दिया था, हमारा ब्लॉग किया। आपका ऐसा है ना, आपका क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट है। इसमें क्या होता है, यूरोप में जो वीजा होते कंट्री का होते गवर्नमेंट वीजा, अभी आपको उधर पसंद नहीं आया, आप दूसरा काम फाइंड आउट करो। अच्छा, हाँ, लेकिन वो जो दूसरा जो एम्प्लॉयर आपको मिला, दूसरा कंपनी जो मिला, उधर से आपको ऑफर लेटर मिलना चाहिए। अच्छा, फिलहाल अभी तो बहुत शॉर्टेज है मैन पावर का, मतलब यूरोप में आदमी नहीं है काम करने को। अच्छा, उनको बहुत रिक्वायरमेंट है। हाँ, बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक तो क्या, बहुत सारे आदमी जो यूके चले गए, फिर ये ब्रेक्सिट हुआ, तो उसके बाद जो है आदमी लोग बहुत हाईली एजुकेशन भी हो गया, तो जो नीचे लेवल का जो है वेल्डर है, फैब्रिकेटर है, कोई नहीं, इधर भी बच्चा लोग तो पढ़ते नहीं है ना वेल्डर, वो तो पढ़ेगा आईएएस वाला, तो यही फर्क है। लेकिन यूरोप में जाने के लिए आप सेफ है 100%, लेकिन अभी आपका जो एजेंट है वो कैसे आपको कन्विंस करते हैं वो अलग बात है। अच्छा, वो झूठ बोल के बस? हाँ, वो झूठ बोलेगा तो शायद उसको भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन के बिना वो शायद एक्टिंग किया। अच्छा, अभी हंगरी का आ गया पासपोर्ट, 100 वैकेंसी है, 300 आदमी से पासपोर्ट सिलेक्शन हो गया, तो 200 का तो वीजा आएगा नहीं है ना। हाँ, और ऐसा जरूरी भी नहीं है 100 वैकेंसी आपको दिया 100 वर्क परमिट कंपनी को मिलेगा, ये भी नहीं हो सकते। एक्चुअली वो सिलेक्शन होने के लिए उसका एक प्लानिंग होगा, लेकिन क्या कैंडिडेट का लिए अप्लाई किया ना, वो कोई खर्चा नहीं किया, वर्क परमिट नहीं मिलेगा तो यू डोंट हैव टू स्पेंड मनी, इट्स वेरी श्योर अबाउट इट। वहां पे जाने का मतलब ये है कि अगर वहां जा गया बंदा तो उसको ये रिस्क नहीं है कि कंपनी ने निकाल दिया तो मुझे नहीं, कंपनी ने निकाल दिया तो आप इटली भी जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, बेस्ट कंट्रीज में आप, लेकिन आपको इतना ख्याल करो ये इजी नहीं है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट विषय पे गया, आपका रिकॉर्ड में आप एक वर्कर है, बिल्कुल ठीक है, जो आपका जो एम्प्लॉयर है आपको टैक्स डिडक्शन करना चाहिए सैलरी से। अच्छा, एम्प्लॉयर जो है टैक्स डिडक्ट करेगा आपकी, और गवर्नमेंट को देखने से, गवर्नमेंट को देगा, और वो कंप्यूटर में एंट्री होगा, देन यू आर लीगल। हाँ, अगर आप 3 महीना आपका सैलरी डिडक्शन नहीं हुआ, आप इलीगल माइग्रेंट हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, आप इधर घूम रहे हैं मार्केट से, आप काम नहीं कर रहे, आपका कोई आदमी नहीं है, तो एम्प्लॉयर नहीं है, आपका एम्प्लॉयर नहीं है तो क्या हो जाते, इलीगल है। हाँ, तो आपको ब्लैकलिस्ट हो जाएगा कंप्यूटर में। अच्छा, हाँ, तो अभी मैंने बोला आपको माल्टा गया, माल्टा से आप इटली जा सकते, इटली जाने के पहले आपको इटली में जो कंपनी में आपको नौकरी मिला वो जाके आपका माल्टा कंपनी से नो ऑब्जेक्शन लेना है ना। तो इसके लिए थोड़ा इसका कॉम्प्लिकेटेड है जो सिस्टम है, लेकिन मुझे लगता है 1-2 साल में पूरा इंडिया में आदमी का यूरोप, लेकिन यूरोप तो जाना आदमी के लिए एक लाइफ सेट करना है, जैसे कनाडा जा रहे हैं, यूरोप में पैसा बहुत लगता है, लोग डरते हैं मतलब, तो पैसा लगता है। तो क्या होता है, मैं बोला आपको यूरोप लंदन जाना है तो टिकट लगते हैं 90,000। अच्छा, तो आपको इच्छा है लंदन जाने के लिए तो आप दुबई के लिए तो 10,000 में मिलते, यही फर्क तो है। लेकिन आप यूरोप में पहुंच गया तो आपको जिंदगी भर, आप एक अच्छे कंट्री है यूरोप, तो सारे अच्छे कंट्री है,
तो डेवलप्ड है, आपको लाइफ भी मतलब सेफ है। मतलब एक बार अगर आप यूरोप चले जाते हैं तो क्या मतलब वर्क वीजा पे जो जाता है तो क्या कोई अपना खुद का बिजनेस कर सकता है या फ्रीलांस कर सकता है? नहीं, ये 5 साल तो मिनिमम है, तो कभी कोई कंट्री में 7 ईयर्स भी होते, 5 साल के बाद और सोचते हैं आपको रेजिडेंट परमिट मिल जाएगा। अच्छा, ये जो अभी आप गया ना, जैसे दुबई में गया, आपको जो एम्प्लॉयमेंट रेजिडेंसी मिल जाते, एम्प्लॉयमेंट रेजिडेंसी, वो कोई बिजनेस रेजिडेंसी नहीं मिलते, समझ गया ना आपको वीजा। तो बहुत सारे आदमी है, अभी देखो सबसे ज्यादा केरला का आदमी बिजनेस करते हैं, लेकिन उसका वीजा होगा ड्राइवर, समझ गया ना। तो ये तो यूरोप में नहीं चलेगा, आपका नाम से दुकान नहीं खोल सकते। तो यूरोप में जाने के लिए आप इतना ख्याल करो, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आपको तो कोई आदमी इतना हेल्प नहीं करेगा। जैसे अभी आपका गाड़ी छूट गया तो आपको खुद चले जाना पड़ेगा, और आपको कोई आदमी आपको हेल्प करने के लिए नहीं होगा। तो वहां से पिकअप वगैरह अरेंज करती है कंपनी? हाँ, ये जो हर कंपनी करते हैं, आपको अकोमोडेशन भी है, आपको फैसिलिटी देगा। अच्छा, कोई कंपनी आपका गैस भी डेडिकेट करेगा, हाँ गैस आपको देगा, वो यूरोप में अभी इतना महंगा है। अच्छा, किचन फैसिलिटी जो देते हैं उसका, हाँ उसका माइनस करेगा वो, हाँ वो तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा मतलब कैंडिडेट को अपने पास से? नहीं, वो नहीं लेके जाना, डिडक्ट करते हैं। अच्छा, वो बता देते हैं, लेकिन ये इतना पैसा। तो अभी आप देखो, ये जो रशिया का प्रॉब्लम हो गया, यूरोप में सारे जो एक्सपेंसेस हाई हो गया, तो शायद कंपनी बोलेगा अच्छा गैस का पैसा आप दे दो। ये जो अंडर इमिग्रेट में नहीं आते हमारे इंडियन गवर्नमेंट का, तो एक नया विंडो खुल गया ना यूरोप, जैसे कनाडा भी खुल गया। अभी तो कल ही डिक्लेयर हुआ 1.5 लाख आदमी को वर्क परमिट दे रहे हैं। अच्छा, कनाडा, हाँ कल ही डिक्लेयर हुआ। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं तो क्या वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या किसी एजेंसी को पकड़ना ही जरूरी है? नहीं, कनाडा के लिए हो सकते हैं, लेकिन यूरोप में तो एजेंसी के थ्रू ही काम मिलेगा। अच्छा, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व है ना, आपको सबसे पहले कैंडिडेट को इंटरव्यू करना पड़ेगा, वो एक स्पॉन्सर अकेला आके होटल से कैसे आदमी का इंटरव्यू करेगा। तो जो एजेंसी बनते हैं एक्चुअली फैसिलिटेटर है, हाँ हाँ वो फैसिलिटी के लिए वो चार्ज करेगा। अभी अभी आप कोई भी मतलब बिजनेस सेंटर में यूज करेगा होटल के अंदर, वो चार्ज करते हैं, ऐसा एजेंसी एजेंसी फीस अलाउड है, तो आपका सर्विस के लिए चार्ज कर सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट तो ऑलरेडी स्टिपुलेटेड है। तो कोई भी एम्प्लॉयर है ना, एक्चुअली वाइस एम्प्लॉयर इंडिया में आके उधर इंटरव्यू करो ये सब नहीं जाएगा, और मिनिस्ट्री का भी परमिशन भी चाहिए, जो आप खुला ऐसा नहीं है आप 10 आदमी को लेके जा सकते। अभी जैसे यहाँ से लोग जाते हैं गल्फ कंट्रीज, तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट आपको मिल गया कि जो वहाँ जाके उसका मन नहीं लग रहा या घर की याद आ रही है जो वापस आना चाह रहे हैं या कोई गलत काम करने लगे, तो क्या उनके साथ क्या होगा? मान लो कंपनी निकालना चाहेगी? देखो एक्चुअली इसमें ना कंट्री टू कंट्री रूल चेंज होते हैं। अभी फिलीपींस में आप फिलीपींस का लो मालूम है, अगर कोई भी कैंडिडेट को जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसके पहले उसको टर्मिनेट करेगा, उसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट का पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, हाँ ये 100% है, नहीं तो एजेंट भरेगा पैसा। अच्छा, मतलब हाँ, टर्मिनेट नहीं कर सकती। जैसे अभी अभी 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ, वो 4 महीने के बाद बोले इनका काम अच्छा नहीं है। इंडिया में भी रूल है, ये कैंडिडेट को रिक्रूट करने के बाद इसको काम नहीं मालूम है, हमको इसको पसंद नहीं है, नहीं वापस कर सकते। इंडिया में भी रूल है इमिग्रेशन एक्ट में, हाँ यू कैनॉट टर्मिनेट समबडी बिकॉज ही डजंट नो जॉब। दिस इज द स्पॉट, दिस इज द एम्प्लॉयर जॉब, यू हैव टू मेक श्योर ही नोज द जॉब। फिलीपींस में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट लॉ है, वो इंटरव्यू वगैरह अरेंज करते हैं, इंटरेस्टिंग होती है, वीडियोस बनते हैं। ये तो इसमें तो एजेंट का रोल है ना, जैसे आपको मालूम है बड़े बड़े एजेंट के पास तो ट्रेनिंग सेंटर होते, टेस्टिंग सेंटर होते, हाँ तो इसी है। देखो ये यूरोप तो सेफ जगह है, एक मौका मिलता है आपको उधर सेटल होने के लिए। आप दुबई में जितना भी जाओ आप सेटल नहीं हो सकते, अनलेस आपको गोल्डन वीजा लग गया। हाँ पीआर तो मिल जाते, हर 100% मिल जाते हैं। 7 ईयर्स के बाद तो आपको हर मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज में आपको वीजा मतलब रेजिडेंट परमिट। ये फैसिलिटी है कि देख सकते हैं आप कि अगर आप यूरोप कंट्री जाते हैं तो पहली बात तो आप 26 कंट्रीज में वहां पे विजिट कर सकते हैं, किसी की कोई भी मतलब डिस्टर्बेंस नहीं होता आपका, ना कोई आपको रोक सकता है। दूसरी बात ये कि आप यूरोप कंट्री जाके कॉन्ट्रैक्टर जो है जो कंपनी है वो आपको फायर नहीं कर सकती क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तीसरी बात ये है कि आप किसी दूसरे कंपनी में अगर जाना चाहें तो वहां से ऑफर लेटर लेके और एनओसी लेके कंपनी से दूसरी कंपनी शिफ्ट हो सकते हैं। हाँ, तो ही आपका जो टैक्स का जो कंप्यूटर में चेंज हो जाएगा, आपको टैक्स तो भरना है, वो टैक्स आपको लगेगा। हाँ, उसके अलावा आप चेंज कर सकते हैं अपनी जॉब, और इससे बड़ी बात यह कि 5 साल अगर आप रहते हैं 5 साल 7 साल तो आपको पीआर वीजा मिल जाता है, और अगर 10 कंट्रीज में आप जाते हैं तो आप जानते हैं 2 साल में आपको वापस आने जाना है। लेकिन अगर आप यूरोप में जाते हैं तो आपको 2 साल के बाद वहीं पे उसी वीजा में ही रिन्यू कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और वहां पे आप स्टे करते हैं और दूसरी जॉब भी चेंज कर सकते हैं और पीआर वीजा भी मिल जाता है, और पीआर के बाद आप फैमिली भी लेके जा सकते हैं। तो ये फैमिली भी लेके जा सकते हैं, आप पीआर हो गया ना, वीजा हो गया, तो क्या फैमिली को वहां से कितने लोग हो सकते हैं? वो मैं बराबर नहीं बोल सकते, अभी अलग अलग यूरोपियन कंट्री, मैंने जैसे बोला ना अभी राजस्थान का लॉ नहीं है पंजाब का, तो इसमें अलग अलग लेबर लॉस है, तो पीआर मिलने के लिए तो मिनिमम तो 5 साल लगेगा, एवरेज तो 7 ईयर है, 7 ईयर के बाद आपको पीआर एलिजिबल है। हाँ, फिर आप एलिजिबल किया, मैंने 7 साल अभी इटली में काम किया तो हमको करो, अभी जर्मनी में भी काफी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, उसके लिए उसने क्या किया, अभी
एक तरीका जो ये लोग तो बहुत एडवांस्ड है, तो ये क्या करते हैं, अभी जर्मनी में नर्स का वैकेंसी है बहुत सारे, बहुत शॉर्टेज है एक्चुअली। ये शॉर्टेज जो होते हैं वो हार्ट ऑपरेशन का नहीं होते, ये होते ओल्ड एज होम। जैसे अभी हमारा ऑफिस है आयरलैंड में, तो इधर जितना भी आदमी होते हैं 60 ईयर के बाद वो तो नर्सिंग होम में जाते हैं, वो नहीं बताते हम ओल्ड एज होम में रहते, उसको ऐसा नहीं करना चाहते, ये खराब लगता है ना, हम ओल्ड एज होम में गया। तो ये नर्स के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है जर्मनी में। अच्छा। तो उन लोग ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, जो 11 स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया स्टूडेंट को वो अडॉप्ट कर लेते। अच्छा। हाँ, और इसको बोलते एक साल आप जर्मन लैंग्वेज सीखो, ताकि आप एक दुकान में जाके पूछ सकते हैं हमको मिल्क चाहिए, मतलब सिंपल लैंग्वेज हो, एक साल में सीख गया, समझ गया ना। उसके बाद क्या होता है, ये कैंडिडेट को उधर एडमिशन मिला इधर जर्मनी में कॉलेज में नर्सिंग के लिए, आपको 1000 यूरो देते गवर्नमेंट हर महीने में, 1000 यूरो आपको हो गया 80,000 रुपए आपको मिलेगा हर महीने, हर महीने में 4 साल आप पढ़ेगा, उसके बाद आपको क्या हो गया, आप जर्मन लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो गया, आप जर्मन कल्चर में एक्सेप्ट हो गया, आपको सारी चीज मालूम है जर्मन कैसे बात करना, कैसे पेशेंट है। अच्छा। तो उसको डिग्री मिल गया, डिग्री मिलने के बाद मुझे लगता है दो साल के बाद आपको पीआर मिल जाते हैं। तो जर्मनी का टेक्निक देखो दूसरा कंट्री से अलग है। हाँ, अच्छा, दूसरा माल्टा में भी प्रोग्राम है आपको, उसको बोलते हैं ब्रिजिंग प्रोग्राम। अच्छा। जो हमारे इंडियन नर्स है वो स्टैंडर्ड से नीचे है, तो उसको कैसे लेवल में करने के लिए आप 6 महीने का कोर्स करो, लेकिन माल्टा में उसके लिए चार्ज है। अच्छा, हाँ, अच्छा। जर्मनी उल्टा आपको अडॉप्ट कर रहे हैं ना, जैसे बच्चों को अडॉप्ट कर लिया, हाँ 1000 दे रहे, आप खाना खाओ, आप अच्छी से रहो, बाद में आप हमारा नेशनलिटी बन जाओ। अच्छा, कनाडा भी इसने किया, पूरा आदमी आओ स्टडी करो, लेकिन कनाडा यूनिवर्सिटी में आपको फीस भरना पड़ेगा, करीब एवरेज 8 लाख 9 लाख 10 लाख फीस आप पहले भरो। तो ये सिस्टम आपको जानना पड़ेगा, जो दुबई गल्फ जीसीसी कंट्री से बहुत फर्क है, यूरोप कनाडा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तो बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया में 2 लाख आदमी का शॉर्टेज है। तो हाँ, रिक्वायरमेंट तो बहुत, इंडिया के लिए बहुत फायदा है, क्योंकि हमारा आदमी तो हाईली स्किल्ड है, और स्किल के अलावा हमारा आदमी बहुत फ्लेक्सिबल है। आप देखो मैंने अभी बिजनेस के कितना 39 ईयर हो गए, हम देखते यूपी से आदमी ट्रेन पकड़ के मुंबई में इंटरव्यू के लिए आते, हम उसको मानना पड़ेगा, देखो इतना तकलीफ करके अंडरसर्व्ड कंपार्टमेंट में बैठा, फोन आया मुंबई से हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हाँ वहाँ बैठे, फिर इंटरव्यू पास हो गया, वो चले गए घर में, फिर स्पॉन्सर बोला 5 तारीख को चले जाओ, ये फैमिली को कैसे एडजस्ट करते, लोग चले जाते, तो इनके पास बहुत विल पावर होते, समझ गया ना, ये ऑर्डिनरी आदमी नहीं होते, रियल कारीगर होते। हाँ, तो ये हमारा इंडियन आदमी का एक क्वालिटी है वर्ल्ड में किधर भी अडॉप्ट होना। आप यकीन से मैं बताऊं, 10 साल के बाद हर कंट्री में जो पॉपुलेशन में 10-15% हमारा वर्कर लोग होगा। हाँ, आपको प्लम्बर बुलाना, ये इंडियन को बुलाओ, यही है। तो आप लोग थोड़ा वेरिफिकेशन करो जो आपका डॉक्यूमेंट है, आप ऐसा नहीं है कोई आदमी आपको वीसा दिया ठीक है हम चले गए, तो आपको यूरोप में यकीन से जाना पड़ेगा, विजिट वीसा में नहीं जाने का, 100% है। वीसा होते बिजनेस वीसा, विजिट वीसा, एम्प्लॉयमेंट वीसा एक और कैटेगरी है, लेकिन आपको एम्प्लॉयमेंट वीसा से मतलब है, तो ये वेरीफाई करके आप जाओ, आपको आराम है, लेकिन फिर ठंड ज्यादा है, जैसे अब ये पोलैंड जाएगा इधर के नहीं है, तो माइनस ज्यादा है, तो आदमी हेल्थ भी देखना पड़ेगा। हाँ, ये तो दुबई में इतना नहीं है। हाँ, तो ये भी आपको सोचना, आप आस्थमेटिक पेशेंट है, आप चले जाओ उधर प्रॉब्लम हो जाते, तो ये सब थोड़ा आपका एजेंट अच्छा है तो ये सब ब्रीफिंग करेगा बराबर। ये देखा आपने कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कितना डिफरेंस है सऊदी या गल्फ में जाने में और यूरोप में जाने में, आपको सारी फैसिलिटी यूरोप में मिलती है, तो हमारे सचिव सर ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ों को, और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहता था, मेरे पास बहुत सारे लोग ऑफर लेटर भेजते हैं, वीज़ा भेजते हैं, कई सारे पोलैंड का, यूरोप का, कनाडा का, यूके का, बहुत सारे वीज़ा आते हैं, उनको कई बार मैं वेरीफाई करके देता हूँ, और कई बार क्या होता है कि मेरे नॉलेज भी नहीं होती चीज़ें, तो मैं इग्नोर भी कर देता हूँ, लेकिन आज मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर करवाई हैं कि आपको यूरोप जाने में कितना फायदा है। तो इस तरह से और भी अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद में मेरे जहन में जो चीज़ें आएंगी मैं रिप्लाई करूंगा, नहीं तो मैं सर से पूछ के भी आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो फिलहाल आपको बीवेयर रहना है, सावधान रहना उन लोगों से जो झूठ बोल के आपको भेजते हैं यूरोप कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज, उन लोगों सावधान रहें, क्योंकि कोई भी आपके साथ में आपकी आंखों से काजल निकाल लेते, इस तरह के लोग भी हैं। तो यूरोप कंट्री जाने में क्या फायदे हैं आपको, गल्फ कंट्रीज में सारी चीजें बता दी गई हैं, अभी कुछ और वीडियोस लेके आऊंगा मैं इसी से रिलेटेड। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें, ताकि आगे वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चीजें हैं कि जो लोग फ्रॉड करते हैं उनसे बचना है, और इस चैनल का मकसद सिर्फ यही है कि फेक ऑफर लेटर कौन देता है, कैसे चेक करना है, या कंपनीज होती हैं उनको कैसे चेक करना है, या कोई एजेंसीज होती है उनको कैसे चेक करना है रियल फ्रॉड है। तो इस तरह के वीडियोस बहुत सारे लेके आता हूँ, चलिए मिलता हूँ आपको कुछ और नए वीडियो के साथ में, तब तक ध्यान रखें अपना। कोई और मैसेज सर आप देना चाहते हैं हमारे? नहीं, जो आपने जो बोला ना, ये जो ऑफर लेटर से करो, देखो इंडियन अप्रूव्ड एजेंट्स जो होते हैं मेरे ख्याल से वो 99.9% आपको चीट नहीं करे, वो नहीं करते। हाँ, तो फिर लेकिन इसमें क्या होते हैं,
बहुत सारे विलेज है तो उसमें अप्रूव्ड एजेंट नहीं होगा, तो इसमें थोड़ा इसको सावधान रखना पड़ेगा, इसको चेकिंग करना पड़ेगा। जेन्युइनिटी देके आप जाओ, आप खुश हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली और इससे हम टच में रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना भूलें।